मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की ग्वालियर 17 में कार्रवाई, धन कुबेर निकले सरकारी नौकर। आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर और 17 में बड़ी कार्रवाई की है, तो लोकायुक्त पुलिस ने रीवा में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते पकड़ा है। ईओडब्ल्यू कार्रवाई में ग्वालियर का सहायक शिक्षक, जिसकी तनख्वाह 16 साल में 20 लाख होती है, उसकी अब तक अचल संपत्ति ही 2.25 करोड़ की निकल चुकी है। उसके पास दर्जन भर कॉलेज, 2 मैरिज गार्डन भी मिले हैं। वहीं 17 में पंचायत सचिव के अब तक की सरकारी नौकरी से 24 लाख की आय बनती है, लेकिन अब तक की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की संपत्ति निकल चुकी है। इनके घर से नोटों की गड्डियां भी निकली हैं। बताया जाता है कि ग्वालियर में ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह सहायक शिक्षक प्रशांत सिंह परमार के 4 ठिकानों पर कार्रवाई की है। वह 2006 में सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती हुआ था। अभी परमार महाराजपुरा में प्राइमरी शिक्षक है, जिसकी शासकीय सेवा से अब तक की कुल आय करीब 20 लाख बताई जाती है, मगर अब तक ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में स्थायी संपत्ति करीब 2.25 करोड़ रुपए की मिल चुकी है, जिसमें सत्यम रेसिडेंसी में 3 फ्लैट मिले हैं जहां वह रहता भी है। उसने अपना कारपोरेट ऑफिस भी बना रखा है जो सत्यम बिल्डिंग में है। परमार के 3 बीएड कॉलेज, 1 नर्सिंग कॉलेज तथा अन्य संस्थान भी हैं। कोटेश्वर में ब्राइट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है। नूराबाद में भी एक कॉलेज के दस्तावेज मिले हैं। परमार के यहाँ प्रखर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कृषि नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ब्राइट नर्सिंग कॉलेज और परमार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिस योनल नाम के संस्थानों का रिकॉर्ड अभी तक की कार्रवाई में मिल चुका है। उसकी कॉलेजों की चयन बताई जाती है, जिसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। यही नहीं, सहायक शिक्षक के कोटेश्वर इलाके में 2 मैरिज गार्डन, परमार पैलेस मैरिज गार्डन और निर्मल वाटिका भी मिले हैं। कई प्रॉपर्टी उसने अपनी पत्नी बच्चों के नाम से खरीद रखी है। घर से बड़ी मात्रा में आभूषण के अलावा लाखों की नगद राशि भी मिली है। लोकनाथ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत सिंह परमार हैं, ये शिक्षक हैं। इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की इनके द्वारा सेवा के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की गई है और करोड़ों रुपए की कमाई की गई है। शिकायत सत्यापन के उपरांत में आज इन लोगों ने 4 घावरे दर्ज किए, कार्रवाई चल रही है। अभी बताना संभव नहीं है, पूरी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब बताना पड़ाना संभव होगा। इनकी 4 चलिए हमारे यहाँ पर सत्यम टावर्स में फ्लैट नंबर 207 में है। बगल में इनके 2 ऑफिस हैं, इसके अलावा कोटेश्वर कॉलोनी में है और एक नूराबाद में। 4 जगह नूराबाद में उनका कॉलेज है। इनके बहुत सारे कॉलेज हैं और इसके अलावा इनका हॉस्ट मैरिज गार्डन है, स्कूल्स हैं। अभी तो ऐसे बता पाना संभव नहीं कि बहुत बहुत बड़ी सूची है। पूरी कार्रवाई चली, कार्रवाई उपरांत ही हम आपको बता पाएंगे। जनता की आवाज़ को उठाएंगे हम, जन समस्याओं को दिखाएंगे हम, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर एक साथ आपके क्षेत्र में पहली बार जनता की आवाज का उद्घोष। चैनल और चलित चैनल अब होगा आपके द्वार। ग्वालियर के सभी वार्डों में लोकनाथ होगा आपके रूबरू। नागरिकों की समस्याओं को तत्काल संबंधित विभाग एवं अधिकारियों तक पहुंचाना और उन समस्याओं के समाधान तक अपनी सतत नजर रखना ही लोकनाथ का उद्देश्य है। लोकनाथ, जनता की आवाज़।